नॉर्थ ईस्ट की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क कहा गया, वास्तु पुरुष का माइंड, वास्तु पुरुष का माइंड। यहां पर पृथ्वी तत्व भी मौजूद होता है, माइंड को भी स्टेबिलिटी चाहिए ना, माइंड को स्टेबिलिटी चाहिए। वास्तु पुरुष का मस्तिष्क यहां होने के कारण, वास्तु पुरुष का सर यहां होने के कारण, इस दिशा में जो भी चीज रखी जाती है उसका इंपैक्ट आप पर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि यहां पर जो शिखी नाम की एनर्जी फील्ड बनती है वो बेसिकली शिखी कहा गया शिवजी की शिखा को। ये 45 एनर्जी फील्ड्स अलग अलग तरह के इनके प्रभाव हैं। यदि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अग्नि आ गई, यानी कि दिमाग पर अग्नि आ जाना, दिमाग में गुस्सा आ जाना, गर्मी आ जाना, तो झगड़े हो जाना या किसी से भी गुस्से में बात करना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, क्योंकि दिमाग वो नहीं रहा। जैसे ही यहां इन्वर्टर आएगा तो वो आदमी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी को, किसी की सलाह ढूंढेगा, किसी की सलाह ढूंढेगा, तो हर काम में जीवन के सपोर्ट ढूंढना की कोशिश करेगा। माइंड, आपका जो मस्तिष्क है, जो भी व्यक्ति लाइफ में फोकस नहीं है, जो भी लाइफ में फोकस नहीं है, वहां नॉर्थ ईस्ट बेसिकली मंदिर की दिशा नहीं कही गई, नॉर्थ ईस्ट दिशा अपने आप के साथ स्थापित होने की दिशा कही गई, अपने आप के साथ लिंक बनाने की, अपने स्वयं को जानने की दिशा कही गई, मन के अंदर की दिशा कही गई, ना कि मंदिर की दिशा, मन के अंदर। मंदिर मतलब मन के अंदर, स्वयं के साथ स्थापित होना, वो है नॉर्थ ईस्ट। और मेडिटेशन जो है वो ये नहीं है कि कानों में लगा के किसी की वो कुछ सुन रहे हो, मेडिटेशन वो नहीं है। मेडिटेशन वो है जो काम करते वक्त, जो कार्य करते वक्त आप उसमें खो जाओ, जो भी काम। पढ़ाना अच्छा लगता है तो पढ़ाते वक्त तक यदि खो गए, डांस करना, नृत्य करना अच्छा लगता है उसको करते वक्त यदि उसमें खो गए, पेंटिंग करनी अच्छी लगती है क्या, जिस वक्त जो कार्य करते वक्त आप उसमें लीन हो जाओ, यानी कि स्वयं में लीन हो जाना, फिर सिद्ध बुद्ध नहीं दुनिया की, वो मेडिटेशन है। मेडिटेट करना उसको कहा गया कि इस काम पर मेडिटेट करो, मेडिटेट करो मतलब इस पर ध्यान दो, ये कैसे होगा, मेडिटेशन उसको कहा गया। तो नॉर्थ ईस्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके घर में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट जुपिटर को। और जुपिटर किसी की भी कुंडली में, उसके पास पैसा कितना अबंडेंस में होगा ये उसका कारक है। यदि बीमारी देगा तो वो भी बड़ी देगा, कैंसर देता है तो वो जुपिटर दे जाता है, क्योंकि कैंसर की अवस्था में जो सेल्स हैं वो मल्टीपल ग्रो करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो ये जुपिटर का एट्रीब्यूट होता है। दूसरे घर यानी कि वंश वृद्धि का कारक कहा गया जुपिटर को, इसीलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो ENE का आता है, जहां पे परिजन्य देव हैं, जहां पर कंसीविंग पावर्स जो है लेडीज को वहां से मिलती है।